सबसे पहले हम बात करते हैं सरकारी स्कूलों के बच्चों को लेकर, क्योंकि अलग अलग प्रोजेक्ट जो है वो सरकार की ओर से शुरू किए जा रहे हैं और इसमें एक और नया प्रोजेक्ट सरकार ने स्कूल एजुकेशन को लेकर किया है, ताकि सरकारी स्कूल के बच्चे जो है वो कॉन्वेंट स्कूल और बड़े बड़े जितने भी नामी अंग्रेजी स्कूल है उन स्कूलों के बच्चों की तरह जो है वो होनहार बन सके, और अगर वो कहीं पर भी जाते हैं तो अपने आप में उनका कॉन्फिडेंस कभी लो ना हो, उनकी अंग्रेजी जो है वो फ्राटेदार हो, दूसरे बच्चों की तरह अंग्रेजी भी अच्छे से बोले और हिंदी भी अच्छे से बोले। तो इसके लिए सरकार ने शिक्षा विभाग का एक प्रपोजल है, और बड़ी बात है उसमें यह है कि अब समग्र शिक्षा विभाग के इस प्रोजेक्ट को सरकार ने मंजूर कर दिया है, और जल्द जो है वो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तैनात सरकारी स्कूल के जितने भी छात्र हैं उनके लिए सुविधा मिलने वाली है। क्या सुविधा है वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि अब सरकारी स्कूल के मेंटर जो है वो निजी स्कूल बनेंगे, यानी कि सरकारी स्कूल के छात्र निजी स्कूलों की कक्षाओं में जाएंगे, वहां पर छात्रों के पढ़ने पढ़ाने के तरीकों को समझेंगे कि किस तरह से प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, क्या वहां पर तौर तरीके नए तौर तरीके अपनाए जाते हैं। और वहीं ये मौका निजी स्कूलों के छात्रों को भी दिया जाएगा कि वो भी सरकारी स्कूल के क्लासरूम में जाए और वहां पर बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाता है उन सारी चीजों को समझ सके। अगली खबर की तरफ जाते हैं, तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तैनात एसएमसी शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। पिछले कल भी कहा था कैबिनेट में यह मंजूरी दे दी थी, और अब जो है वो शिक्षा विभाग को आज सरकार ने यह डायरेक्शंस दी है कि एसएमसी के लिए किस तरह से पॉलिसी बनाई जा सकती है और किन किन नियमों को इसमें फॉलो किया जा सकता है, उसके डिटेल्स जो है वो यहां पर मांगी गई है। और अब एसएमसी के लिए पॉलिसी बनेगी और वन टाइम ट्रांसफर का जो मौका है वो एसएमसी के शिक्षकों को दिया जाएगा, तो पहली दफा जो है वो सरकार ने ये इतना बड़ा कदम यहां पर उठाया है। और इसी तरह से अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स प्रमोशन को लेकर। कॉलेजेस के तमाम सभी खाली, करीबन जो है वो 100 से ज्यादा ऐसे कॉलेजेस है जहां पर प्रिंसिपल के पद खाली है। 2018 से कॉलेज प्रिंसिपल की प्रमोशन नहीं हो पाई है, बहुत सारे हमारे दर्शक इस पर सवाल कर रहे थे, तो आज जो है वो इस पर एक बड़ी अपडेट हम आपके सामने लाए हैं, क्योंकि प्रदेश के डिग्री कॉलेजों के जितने भी प्रिंसिपल प्रमोशन है उसका प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। स्क्रूटनी का कार्य शिक्षा विभाग इन दिनों कर रहा है, और इसमें करीब ये कहा जा रहा है कि पहले चरण में 96 का पैनल इसमें बनाया जाएगा और 25 पद जो है प्रिंसिपल्स के हैं कॉलेजेस में वो डायरेक्ट कमीशन के तहत भरे जाएंगे, और इसके अलावा 71 प्रोफेसर को वरिष्ठता के आधार पर इसमें प्रिंसिपल बनाया जाएगा। लेकिन इसमें जो बड़ी चीज है, अभी तक इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन थी, पहले मैटर कोर्ट में था लेकिन अब कोर्ट में मैटर नहीं है, और इसीलिए अब कॉलेज प्रिंसिपल की प्रमोशन का जो मामला है वो शुरू हो चुका है। और इसमें कहा यह जा रहा है कि अब कॉलेज कैडर में जो भी प्रिंसिपल प्रमोट होंगे उसमें यूजीसी के और आरएनपी रूल्स नए जो बनाए गए हैं उन आरएनपी रूल्स को फॉलो किया जाएगा, यानी कि कॉलेज का प्रिंसिपल वही बनेगा जिन्होंने पीएचडी की होगी, रिसर्च वर्क किया होगा, इसके अलावा जो है वो 20 साल का एक्सपीरियंस उन्हें बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर का रहा होगा। तो कुल मिलाकर जो है वो अब नए इसमें नई आरएनपी रूल्स और यूजीसी के सभी नॉर्म्स को पूरा किया जाएगा, उसके आधार पर कॉलेजेस के प्रिंसिपल अब प्रिंसिपल की जो प्रमोशन है वो की जाएगी। 2018 के बाद अब प्रिंसिपल की ये रेगुलर प्रमोशन हो रही है, तो एक ये बड़ी अपडेट थी। और अगली खबर की बात करते हैं, क्योंकि आप देखिए तो हिमाचल प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों की बात करें तो आउटसोर्स के कर्मचारी पहले भी लंबे समय से पॉलिसी की मांग कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी कैटेगरी आउटसोर्स की हिमाचल प्रदेश में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है। सबसे पहले आप देखिए तो हेल्थ डिपार्टमेंट में काफी संख्या में आउटसोर्स के कर्मचारी जो है वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और इसके अलावा शिक्षा विभाग में काफी संख्या में आउटसोर्स के जो कर्मचारी है वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और लेकिन आउटसोर्स कर्मचारी अभी तक अपने आप को एक ठगा सा महसूस करते हैं, क्योंकि उनके वेतन की बात हो या फिर उनके तमाम नियमों की बात हो तो अलग अलग तरीकों से वो अपने लिए लड़ाई भी लड़ते हैं, सरकार से मांग भी करते हैं कि उन्हें प्राइवेट कंपनियों से छुटकारा दिलवाया जाए और सरकार उन्हें अपने अंडर लाए। लेकिन ये नतीजा ये है कि अभी तक फिलहाल चाहे कोई भी सरकार रही हो आउटसोर्स के लिए कोई भी नीति जो है वो कोई भी सरकार बड़ी आसानी से नहीं ला सकी है, और अभी तक जो है वो आउटसोर्स के कर्मचारी कई कर्मचारियों को निकाल दिया गया, उनकी नौकरियों की जो बहाली है वो अभी तक नहीं हो पाई है, और अब बहुत सारे ऐसे आउटसोर्स के कर्मचारी हैं जिनका वेतन रुका हुआ है और अभी तक उनको वेतन नहीं मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की, तो यहां पर आप देखिए तो श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक, यहां पर जितने भी तैनात आउटसोर्स के कर्मचारी हैं इनका वेतन लगभग 3 महीने से नहीं मिल रहा है। इसमें 350 नर्स है, स्टाफ नर्सेज, नियमित कर्मचारियों सहित सुरक्षा कर्मियों, वार्ड बॉय सहित अन्य कर्मचारियों को 90 दिन से जो है वो वेतन नहीं मिल पाया है, और सामूहिक बैठक में आज इन कर्मचारियों ने सरकार और विभाग को अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि जल्द से जल्द उनका वेतन दिया जाए अन्यथा वो धरने पर बैठेंगे। ये आउटसोर्स कर्मचारियों का मसला था जो हमने आपको बताया। और इसी के साथ ओपीएस को लेकर बात करते हैं, बहुत सारे कर्मचारियों की ओपीएस बहाल हो चुकी है, लेकिन बिजली बोर्ड के कर्मचारी जो है वो अभी तक ओपीएस बहाली का इंतजार कर रहे हैं, और आज जो है राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने ओपीएस बहाली के लिए 21 जून तक की मोहलत राज्य सरकार को दी है, और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की घोषणा के बाद भी पुरानी पेंशन बहाल न होने पर ये कर्मचारी एक बार फिर से बिफर चुके हैं, और इस बाबत प्रबंध निदेशक को पत्र भेजकर यूनियन ने आज चेतावनी दी है और कहा है कि 21 जून तक अगर अधिसूचना जारी नहीं हुई तो प्रदर्शन करने को वो एक बार फिर
विवश हो जाएंगे। और बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर विभिन्न कर्मचारी यूनियनों ने 25 मई को बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस शिमला के बाहर प्रदर्शन किया था। और मुख्यमंत्री ने धर्मशाला दौरे के दौरान मामले में हस्तक्षेप करते हुए 2-3 दिन के भीतर ओपीएस बहाल का आश्वासन इन कर्मचारियों को दिया था, लेकिन अभी तक जो है वो इन कर्मचारियों को ये ओपीएस नहीं मिल पाई है। और नतीजन जो है वो आज बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि अगर उनकी ओपीएस बहाल नहीं होती है तो ऐसे में अब वो उग्र प्रदर्शन करेंगे। और इसके अलावा एनटीटी को लेकर बहुत सारे दर्शकों ने हमें सवाल किया है, तो एनटीटी के लिए शिक्षा मंत्री का आज भी बयान आया है। उसमें भी उन्होंने स्पष्ट ये कहा है कि एनटीटी के लिए जो है जो नियम यहाँ पर फॉलो किए जाएंगे वो नियम इसी तरह से होंगे कि एनसीटीई से मान्यता प्राप्त जो है वो डिप्लोमा यहाँ पर होना चाहिए, तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। पेंडिंग रिजल्ट को लेकर आज लोक सेवा आयोग से हमने जरूर पूछने का प्रयास किया, और अब देखिए सही मायने में अब लोक सेवा आयोग के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो चुका है भर्तियों के रिजल्ट निकालने का। 8 पोस्ट कोड के रिजल्ट निकालने हैं और सरकार ने डायरेक्शंस दे दी है, तो ऐसे में अब लोक सेवा आयोग के पास बहुत सारे पोस्ट कोड का पूरा ब्यौरा पहुंच चुका है। और आयोग ने कोशिश कर ली है, आयोग ने प्रोसेस शुरू कर दिया है कि जल्द से जल्द जो है वो इन भर्तियों के रिजल्ट यहां पर निकाले जा सके। पीईटी की पोस्टों पर भर्ती कब तक होगी, तो पीईटी के जो पोस्टें हैं उसको लेकर पहले मैटर कोर्ट में था, लेकिन अब जो वो पीईटी की भर्ती जरूर शिक्षा विभाग करेगा, तो इस पर जो है वो कमीशन के तहत इन पदों को भरा जाएगा। लेकिन इस पर जो है वो कितनी पोस्टें होगी ये फिलहाल अभी शिक्षा विभाग की ओर से तैयार नहीं किया गया है प्रपोजल, लेकिन जैसे इस पर कोई अपडेट होगी तो हम आपको जरूर यहां पर बताएंगे। तो टीजीटी बैचवाइज की तमाम जो कैटेगरी है बैचवाइज भर्ती का पूरा प्रारूप जो है वो प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने बना दिया है। टीजीटी कमीशन के लिए इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन बैचवाइज भर्ती जो है वो जल्द आपकी शुरू हो जाएगी, इसके लिए सरकार ने मंजूरी यहां पर दे दी है।